ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ ਨਮਸਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਪੋਲੀਮੈਥ ਐਗਰੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੋਰ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਟ ਬਟਨ ਮਸ਼ਰੂਮ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਐਸੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ जिनको हम ध्यान में नहीं रखते और जब इंस्टेंट जरूरत पड़ती है हम मार्केट में लेने जाते हैं, हम उन चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। तो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वाइट बटन मशरूम। बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब बुनियादी जरूरतें क्या क्या हैं सीजनल मशरूम कल्टिवेशन के लिए। जो मेरे किसान भाई सीजनल मशरूम कल्टिवेशन करते हैं उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिक रिक्वायरमेंट ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, मशरूम कल्टीवेशन शुरू कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं किस चीज की जरूरत है। ऐसा गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब कंपोस्टिंग में जैसे मैंने कल भी बताया था 1.5 टन ऑफ कंपोस्ट सबसे पहले आ गया कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में 1.5 टन ऑफ कंपोस्ट को इतना स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए। अब ये जो स्क्वायर मीटर एरिया है ये पक्का फ्लोर होना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ किसान भाई अभी नए हैं और पक्का फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक ऐसा एरिया बना लें। एरिया बना के इसको चारों तरफ ईंटें लगा दें, दो रद्दे, पहले एक ईंट का रद्दा, फिर उसके पहले एक ईंट, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट, और इसमें तरपाल बिछा दें सारी पे, ब्लैक जो तरपाल आती है वो बिछा दें ताकि जब आप वाटरिंग करें तो वो पानी फालतू बहे ना। पर याद रखिए इसमें ट्रैक्टर नहीं चलेगा, इसमें आप मैन्युअली कह लो लेबर से टर्निंग करवा सकते हैं, ट्रैक्टर और उसे टर्निंग जेसीबी से टर्निंग नहीं करवा सकते, तो ये मैन्युअली होगा। अब जो बेसिक फॉर्मूला बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे पहले बीट स्ट्रॉ तूड़ी चाहिए, पोल्ट्री लीटर, मुर्गे की खाद, डीओसी होता है डी ऑयल्ड केक, जिसको हम खल बोलते हैं, ठीक है। एक खल होती है, जैसे सरसों का तेल निकाला उसके बाद खल आ गई। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो उस खल में से भी तेल निकाल देती हैं, क्लियर, तो उसमें बिल्कुल ही तेल नहीं होता, उसे हम डी ऑयल्ड केक कहते हैं। फिर उसके बाद आ गया यूरिया सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट और जिप्सम सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जिसमें हमने नाइट्रोजन परसेंटेज रखी है 1.80। अब आप कहोगे भी सर आप कहते हो 1.75 होनी चाहिए, 1.75 हमने थोड़ी सी प्रिकॉशन लेते हुए थोड़ी सी इसकी जो नाइट्रोजन परसेंटेज है ज्यादा रखी है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है भी जो चिकन मैन्योर है उसमें वेरी करती है नाइट्रोजन परसेंटेज। नेक्स्ट क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है तो अल्टरनेट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कहेंगे भी हमें किस लिए चाहिए कंपोस्टिंग में, तो हमें कंपोस्टिंग में पानी के लिए चाहिए। पानी डालने के लिए पानी आप हाथ से तो डालोगे नहीं, पंप से डालोगे, पंप किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी और पंप दोनों नहीं है, ठीक है, अगर आप जनरेटर भी नहीं इस्तेमाल करना चाह रहे तो आप इंजन से कर सकते हो। बट इंजन क्या है, इंजन का पाइप होता है 4 इंच का जिसका प्रेशर बहुत होता है, तो आप इसके साइड पे एक नली लगा सकते हो, ठीक है, उस नली से आप इसके ऊपर पानी दे सकते हो। अगर आप वो भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो नहीं ये तो करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका स्पेड वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई आपके पास होना चाहिए, कोई ना कोई वाटर बोरवेल जिससे आप वाटर सप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको पाइप भी चाहिए, पाइप मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइप, ठीक है। वाटर सप्लाई के लिए हमें साथ में चाहिए पाइप, क्लियर, 2 इंच का पाइप चाहिए हमें। अब फिर आ गया स्पेड्स, रेक्स, स्पेड्स, फावड़े, ठीक है, फावड़े, कुदाल, और जिसे हम कस्सी भी बोलते हैं, गुडी पिट। नेक्स्ट है गुडी पिट। अब जो लोग हर साल सीजनल कल्टीवेशन करते हैं, जिनको पता भी हमने सीजन करना ही करना है, कुछ किसान भाई मेरे हर साल करते हैं, वो क्या बनाते हैं, गुडी पिट बनाते हैं। गुडी पिट क्या होता है, मान लीजिए आपका ये एरिया है जहां पे आप कंपोस्टिंग करो, तो यहाँ पे जमीन में आप एक खड्डा खोद देते हो सीमेंट से। अब होता क्या है, जब यहाँ पे आप वाटरिंग करते हो, प्री मिक्सिंग करते हो, तो यहाँ से पानी रन होके भाग के खड्डे में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे आप पंप लगा देते हो और दोबारा इसके ऊपर डाल देते हो, तो इससे आपकी वाटर की सेवेज, वाटर आपका बचता है, पहला बात। दूसरा, जब आप बार बार पानी यूज कर रहे हो तो वो पानी न्यूट्रिएंट लेके जाता है। अगर मान लीजिए आपने उस पानी को फेंक दिया तो आपके न्यूट्रिएंट बहुत सारे उस पानी में बह जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है आपका भी क्या नाम है, टर्पुलिन शीट, जिसे हम तरपाल बोलते हैं देसी भाषा में,
काले रंग की तिरपाल हो जाती है। अब ये तरपाल किस लिए चाहिए, मान लीजिए ज्यादातर हम ओपनिंग जो सीजनल कल्टीवेशन करते हैं, ये आपका बेड है, सीजनल कल्टीवेशन में हम खेतों में ही खाद बनाते हैं। जब हम खेतों में खाद बनाते हैं, क्योंकि पक्के शेड नहीं होते ज्यादातर सीजनल कल्टीवेशन के पास, पक्के शेड नहीं होते, तो अगर मौसम खराब हो गया, बरसात हो गई, उस सबसे ढकने के लिए हमें काली तरपाल चाहिए। उसके बाद आ गया टर्नर, टर्नर टर्निंग करने के लिए ज्यादातर नहीं होता हमारे किसान भाइयों के पास, जेसीबी आपको भाड़े पे मिल जाती है, लेबर आपको मार्केट से मिल जाएगी। आजकल एक और जुगाड़ आ गया है, जैसे ट्रैक्टर को जेसीबी की तरह यूज करते हैं, ट्रैक्टर को एज अ जेसीबी यूज करते हैं, क्लियर। तो आप ये यूज करोगे, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आप तरपाल नीचे बिछा रहे हो तो सिर्फ आप लेबर यूज करोगे, क्लियर। नेक्स्ट आ गया टेम्परेचर प्रोब। टेम्परेचर प्रोब हमें चाहिए टेम्परेचर चेक करने के लिए, भी टेम्परेचर कितना है खाद में, 60 डिग्री है, 65 डिग्री है, 75 डिग्री है, 70 डिग्री है, कितना टेम्परेचर है, वो हम टेम्परेचर प्रोब से चेक करेंगे। अब हम इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टेम्परेचर प्रोब लेना इज अ गुड थिंग। आपको साइंस थोड़ा सा, देखिए मशरूम कल्टीवेशन में बार बार कहता हूँ करते तो हैं, बट ये एक साइंटिफिक खेती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। उसके बाद फॉर्मलिन चाहिए ताकि एरिया स्टरलाइज कर सकें, हम खाद को भी स्टरलाइज करें। इंसेक्टिसाइड चाहिए ताकि आसपास, क्योंकि आप खेतों में कर रहे हो तो इस खाद का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो जितने भी आसपास के सर्दी में, अब रात को सर्दी हल्की सी हो जाती है, जितने भी आसपास के कीड़े हैं वो आपकी खाद की तरफ भागेंगे गर्मी की वजह से, तो आपको इंसेक्टिसाइड भी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ गया स्पॉनिंग। स्पॉनिंग में क्या क्या, जब हम स्पॉनिंग करते हैं उस वक्त हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले स्पॉनिंग करते वक्त हमें खाद का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस हमें रखना है खाद का टेम्परेचर, क्लियर। अब खाद का टेम्परेचर हम 25 से 26 डिग्री रखते हैं तो ये कैसे रखेंगे, ये जब हम सीजनल कल्टीवेशन करते हैं तो हम खाद को थोड़ा सा सरफेस पे खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह या शाम को हम स्पॉनिंग करते हैं, हम दोपहर के टाइम कभी स्पॉनिंग नहीं करते। उसके बाद आ गया हमें स्पॉनिंग कितना, स्पॉन कितना चाहिए, ज्यादातर किसान भाई ये भी एक देखो है छोटा सा सवाल, बट बहुत सारे ये क्वेरी आती है भी हमें स्पॉन कितना यूज करना है। अब स्पॉन हमें कम से कम 0.75 to 1% स्पॉन, जो कॉमन है वो 1% है। अगर आप सोचो थोड़ा खर्चा कम करने जाते हो तो आप 0.75% कर दो, बट उतना ही लेट आपकी प्रोडक्शन हो जाती है। अगर 1% यूज करते हो बिल्कुल अप्रोप्रिएट परसेंटेज है, बिल्कुल सही परसेंटेज है 1%। उसके बाद आ गया स्टीराइल ग्लव्स, दस्ताने पहने हैं, ज्यादातर आपकी लेबर ऐसे ही कर देती है, बट नहीं, जो स्पॉन डालेगा वो दस्ताने पहनेगा, अदरवाइज मोल्ड आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पे भी हमें स्पेड्स और रेक्स इसके अलग से चाहिए, खुदाल और फावड़े अलग से चाहिए, कारण आप कंपोस्ट वाले नहीं यूज करोगे, जो आप कंपोस्टिंग में करते हो वो नहीं यूज करोगे, ये अलग करोगे। यहाँ पे अगर आप वो यूज कर रहे हो तो उनको पहले स्टरलाइज कर लोगे फॉर्मलिन से। अब पॉली बैग, जिन बैगों में हम भरेंगे, क्लियर, ज्यादातर हम 24x28 का बैग ले लेते हैं, 24x28 का बैग हम लेते हैं, या 24x30 का भी ले लेते हैं, क्लियर, बैग ले लेते हैं, और इसमें एक बैग में 10 kg आपकी कंपोस्ट आती है, क्लियर। उसके बाद आ गया क्रेट, जो मार्केट में जिनमें फ्रूट आता है, अभी तो बहुत कम हो गए, बट ज्यादातर पहले फ्रूट क्रेट्स में ही यूज होता था, फ्रूट क्रेट्स। अगर उसके बाद आ गया नेक्स्ट है आपका बैग, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ बेड। बेड बेड कैसे बनाते हैं, बेड बनाते हैं, मान लीजिए ये आपके बैम्बूज हैं, ये आपका बेड है, ये 4x4 4x, आप लंबाई जितनी मर्जी ले सकते हो, एक्स है, ठीक है, 4x20 4x30, ये आपके शेड की लेंथ के ऊपर है, बट 4 फीट हम रखते हैं ताकि, आप 4 फीट हम इसलिए रखते हैं ताकि उस पर पानी आराम से लग सके। अब आ जाइए केसिंग में, केसिंग में हम यूज करते हैं कोकोपीट, कोकोपीट या राइस हस्क ऐश, राइस हस्क ऐश, राख, राख यूज करते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, अगर आपके पास गोबर गैस है गोबर गैस की खाद यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद फॉर्मलिन चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, जिप्सम चाहिए और इंसेक्टिसाइड चाहिए।
क्लियर। फॉर्मलिन चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए और कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हम जिप्सम को ही बोलते हैं, जिप्सम चाहिए। क्लियर, ये हमें बेसिक चाहिए ही चाहिए। ये कैल्शियम कार्बोनेट खाद में डलता है 0.5%, 0.5%। जिप्सम, जिप्सम डलता है 2%। क्लियर। इंसेक्टिसाइड आप डालोगे 0.01%। क्लियर। फॉर्मलिन 2%, जो मैं कॉमनली यूज कराता हूं। मान लीजिए अगर मैं कोकोपीट ले रहा हूं, कोकोपीट 1:1 राइस हस्क और कोकोपीट, अगर फार्म यार्ड ले रहे हैं, क्लियर, तो 75% आपका ये है, 25% आपकी गोबर गैस, गोबर है, 2 साल पुराना गोबर है, 75% कोकोपीट, कोकोपीट और ये गोबर गैस, गोबर गैस का अपना आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्रोइंग रूम। ग्रोइंग रूम, ग्रोइंग रूम में आपके बैम्बू या तो ग्रोइंग रूम है, बट बहुत कम लोग हैं जो ग्रोइंग रूम में कल्टीवेट करते हैं, ज्यादातर बैम्बू शेड बने होते हैं, बैम्बू शेड हम लोग बनाते हैं। बैम्बू शेड में बेड सिस्टम हम यूज करते हैं, सीजनल मैक्सिमम के मैक्सिमम जो है आपका यूज करते हैं, और एक स्क्वायर फिट में 8 से 10 किलो खाद आती है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए आप 1000 1 टन बना रहे हैं, 2 टन बना रहे हैं, 10 टन बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना बेड तैयार कर लोगे, कितना एरिया चाहिए। तो आपको 8 से 10 किलो पर स्क्वायर फिट आपकी, एक स्क्वायर फिट में अगर आप 9 इंच, हम हमेशा बेड में 9 इंच की हाइट रखते हैं, 9 इंच की अगर आप हाइट रखते हैं, तो एक स्क्वायर फिट में 10 केली की जो, सॉरी 8 से 10 किलो आती है। उसके बाद आगे बैग, बैग भी आपका 10 किलो तक अकोमोडेट करता है, पर एक बैग आपका 1.5 स्क्वायर फिट एरिया कवर करता है ग्रोइंग रूम में। तो आप उसी हिसाब से फिर बेड बनाओगे, एक बैग कितना कवर कर रहा है, 1.5 स्क्वायर फिट एरिया कवर कर रहा है। अब इसमें रात को लाइट सिस्टम चाहिए, अगेन इलेक्ट्रिसिटी का यूज यहाँ पे होगा, वाटर स्प्रे पंप चाहिए, अगर किसान भाई छोटा कर रहे हैं तो छोटा पंप चाहिए, मान लीजिए छोटा शेड है तो जो कंधे वाला पंप होता है उससे भी चलेगा, और अगर नहीं है तो फिर बड़ा पंप जो आप लगा सकते हो। प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो पिन हेड सारे तोड़ देगा, प्रेशर बड़ा नॉर्मल रहना चाहिए। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का काम कहाँ आ गया भाई, ज्यादातर किसान लोग केसिंग करने के बाद न्यूज़पेपर बिछाते हैं, वहां पे हमें न्यूज़पेपर चाहिए, ठीक है। देन आ गया फंजीसाइड, फंजीसाइड ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, फॉर्मलिन, ये अलग अलग हैं अलग अलग चीजों के लिए, क्लियर। ये अगली वीडियो में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे, जो डिजीज वाली वीडियोस हैं वहां पे हमें पता लग जाएगा। मान लीजिए फंजीसाइड बेविस्टिन है, क्लोरोथाइनोल है, ये कहाँ कहाँ यूज करनी है, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज करना है, तो ये बेसिकली आपके स्टॉक में होनी चाहिए। अब बीमारी का तो पता नहीं है कौन सी बीमारी आ जाएगी, तो ये बेसिकली आपके स्टॉक में होनी चाहिए, ताकि आपको छोटी सी चीज के लिए भागो नहीं। तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ये आप मान लीजिए आपको 5 लीटर फॉर्मलिन चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर आपको 50 किलो का बैग मंगवा लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट ज्यादा नहीं चाहिए होगा 5-10 किलो ले लीजिए, फॉर्मलिन आप फिर चलो 10 लीटर या 15 लीटर ले आइए। तो इसी हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना स्टॉक बना के रख लीजिए और स्टार्टिंग में परचेज कर लीजिए। मिड में परचेज करेंगे चीजें महंगी भी मिलेंगी, क्यों, क्योंकि सीजन आ जाता है, कॉम्पिटिशन हो जाएगा मार्केट में, आपको सामान महंगा मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा पहले प्रिक्योर कर लीजिए, करना तो है ही आपने। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या क्या चाहिए, हमें स्टेनलेस स्टील के चाकू चाहिए, ठीक है, प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की बकेट, तोलने के लिए हमें 200 ग्राम का, 1 किलो का, 10 किलो का और 20 किलो का। अब 200 ग्राम का तो पैकेट आपका जाएगा, मान लो आप जो पैकिंग करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 किलो की भी पैकिंग करवाते हैं, जैसे होटल्स वाले, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 ग्राम की पैकिंग लेंगे बट वो 10 किलो में तोलेंगे, तो 10 किलो का, क्लियर, तो आपको ये चाहिए। अब कुछ कह लो पैनेट्स में लेके जाते हैं, पैनेट्स में, पैनेट्स मार्केट में मिल जाते हैं, 1 किलो पे लगभग आपके
एक पन्ने 1 किलो पे आपके 18 से 20 चढ़ते हैं पनेट, और पनेट तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है, वो आप परचेज कर लीजिए। फिर पॉलीबैग 200 ग्राम का, आधा किलो का, 10 किलो का, 20 किलो के पॉलीथीन बैग चाहिए, मार्केट में बैन है, आप उसकी ही जीएसएम के हिसाब से परचेज करोगे, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब सोडियम मेटा बाइसल्फेट, अगेन फिर केमिकल आ गया, या पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट, ये दोनों यूज होते हैं वॉशिंग के लिए। सोडियम मेटा बाइसल्फेट, पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट वॉशिंग के लिए यूज होते हैं, मशरूम को धोने के लिए यूज होते हैं, मशरूम में हल्की सी शाइनिंग आ जाती है, तो ये आप परचेज करके रख लीजिए, ठीक है। क्वांटिटी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी आप मशरूम ले रहे हो, वैसे तो अगर आप परचेज कर लोगे ये पड़ा भी रहेगा, इसमें एक्सपायरी का कोई चक्कर नहीं होगा। देन वॉशिंग टैंक हो गया, टब हो गया, टब यूज कर सकते हो, प्लास्टिक के ड्रम यूज कर सकते हो, वर्किंग बेंच टेबल जहां पे आपने काम करना है, अगर मान लीजिए आप थोड़ा देख के आगे पीछे कर रहे हैं सेल उसी दिन नहीं कर रहे, तो कोल्ड रूम चाहिए, ठीक है, कोल्ड रूम चाहिए आपको मशरूम को स्टोर करने के लिए, आपकी क्वांटिटी ज्यादा है और आप कह रहे हैं अभी अभी तोड़ने में टाइम है, मार्केट जाने में टाइम है, तो आप उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड रूम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अपना आइस बॉक्स, अगर आप डिस्टेंस में भेज रहे हो, ठीक है, तो आप आइस लगा के भेजोगे, आइस लगा के भेजने के लिए आपको आइस बॉक्स चाहिए, तो ये